बिहार से शरण कुमार जी, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग मैम। जी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, बताइए सवाल क्या है। मैम हकीम साहब से बात हो सकती है? जी बिल्कुल जी भाई, बात हो रही है। स्वागत है आपका। जय हिंद जी। नमस्ते हकीम साहब, बताइए। सर बहुत दिन से फोन ट्राई कर रहे थे लेकिन लग नहीं रहा था सर, बहुत मुश्किल से आगे फोन लगी है। धन्यवाद। हाँ सर, आपका नुस्खा बहुत देखते हैं सर, नुस्खा भी बहुत अच्छा लगता है, आपको बोलने का तरीका भी बहुत अच्छा लगता है और आपका पहनावा ओढ़ावा बहुत अच्छा लगता है सर, इसीलिए फोन करी सर इस सवाल पूछने के लिए। जी बताइए क्या सवाल है सर। सर मतलब मेरे पापा ना सर ये पहले आर्मी में थे सर, तो मैं वो चाहते हैं कि मैं भी आर्मी में रहूं, तो सर उसके लिए तैयारी करते हैं दौड़ धूप सर, तो बहुत से नुस्खे सर पापा ये बताते हैं कि ये खाया करो ये खाए, लेकिन सर आपके अनुसार दौड़ने वाले को क्या खाना चाहिए जिनके लिए दौड़ मेरा और अच्छा हो जाए सर? आपको सेहत अच्छी चाहिए, क्या करना चाहिए? नहीं सर, मैं 10-10 किलोमीटर रोज स्पीड दौड़ा करता हूँ सर, तो रनिंग स्पीड के लिए जो दम थोड़ा हो जाएगा ना सर, इसके लिए पूछना था सर आपसे। क्योंकि मुझे सर आपके बोलने का तरीका और मीठा बताने बहुत अच्छा लगता है सर, और आप इंसानियत का वो दीपक जलाए हुए हैं जो एक गरीब के घर में भी उतना जलता है और एक राजा के घर में इतना ही जलता है सर। आज की डेट में अपना तो इतना को नहीं करता जितना आप पढ़ाए होते करते हो सर, ना कोई मजहब ना कोई जाति, फिर भी एक इंसानियत का दीपक। हाँ बेटा, हमें सबको होना तो ऐसा ही चाहिए, लिबास कुछ भी हो, भाषा कुछ भी हो, लेकिन भाव सेवा का होना चाहिए। ये कार्यक्रम शुरू हुआ है, आप लोग इससे जुड़े हैं और कदरदान हैं आप इसके, तभी ये प्रोग्राम चलता है। अच्छा देखिए, पेट जो निकलता है वो आराम तलबी से निकलता है या ज़्यादा तली भुनी चीज़ें खाने से निकलता है। देखिए मैं भी, आपने कहा लिबास पहनता हूँ, जैसा भी लिबास है मेरा ये अपना लिबास है, मैं किसी हीरो हीरोइन को किसी नेता को फॉलो नहीं करता, एक लिबास मैंने तय कर लिया, वो अपना तरीका। बाल है तो किसी हीरो हीरोइन जैसे नहीं है, बस अपने एक बाल कटवाए और जैसे भी अच्छे बुरे। अब लिबास कैसा हो, बाल कैसे हो, लेकिन ज़बान कोई भी हो लेकिन मीठी होनी चाहिए। तो बहुत शुक्रिया कदरदानी का। सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है डाइट कंट्रोल से, जितना खुराक है उससे आधा खाएं, और ये इंसानियत का भी तरीका है। और पैदल चलें, आप तो यंग हैं, दौड़ें, बल्कि जितना भी आप में हिम्मत है अपने ऊपर जबर करके ना दौड़ें, तो पेट अपना भी चला जाता है। और मिलिट्री मैन के बच्चे हैं, जाहिर है देशभक्त होंगे, मिलिट्री में जाना है तो एक्सरसाइज बैठक मारने से पेट ख़त्म होता है और ये थाइज बढ़ती हैं, और डंड मारने से, डंड जो ऐसे मारते हैं ना डीप, इसको मारने से ये हिस्सा बनता है हमारा जिसम और पेट कम होता है। आप तो कोई नुस्खा भी ना लें तो बहुत अच्छा है। वैसे खाने का सोडा एक चुटकी और नमक जैतून असली एक चुटकी पानी मिलाकर कम से कम एक बार लिया करें, पेट और चर्बी का दुश्मन है। मेरी दुआ रहेगी कि आपको भी अपने वालिद से, अपने पापा से भी बड़ा मकाम, बड़ा ओहदा मिले और आप देश की सेवा करें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिल्ली से हैं अगले कॉलर, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ मैडम नमस्ते, मैं राज बोल रही हूँ दिल्ली से। जी मैम बताइए। मैं ना, मेरा हकीम जी से बात करनी है, हकीम जी को भी नमस्ते कह दीजिए मेरा। जय हिंद, स्वागत है, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ हकीम जी। वो मैं ना 100 ग्राम गोंद सिया मंगाया था, वो मेरा खत्म हो गया है। 150 ग्राम नमक जैतून आया था, वो भी खत्म। मतलब 4-5 महीने तो पाउडर खाया, 3 महीने गोंद सिया खाया है। अब मेरा दोबारा भी भेज दिया उन लोगों ने, आपकी संस्था वालों ने। चाप बहुत आ जाता है पैरों में, और मेरा मतलब मैं कह रही थी मेरा पेट साफ नहीं होता सुबह, वो भी नहीं हुआ। मतलब वैसे गैस नहीं बनती मेरे, तो मुझे बता दीजिए पाउडर कैसे बनाना है जिससे मतलब वो हो जाए। और मेरे जलन बहुत हो रही है आजकल। ठीक, मैंने बताया था ना आपको जलन बहुत हो रही है, तो आपने कही थी पहले वाली दवाई खा लो, वो भी असर नहीं कर रही मुझे। ठीक
ठीक है। तो बता दीजिए कि गोमसिया कैसे लूं, क्योंकि मेरा दर्द काफी है, मेरे पैरों में भी खिंचाव आ गया। या तो मैं खट्टी चीज खा रही थी, मैंने लस्सी पीती थी खाने के साथ, तो मैंने वो भी बंद कर दिया, शिकंजी पीती थी वो भी बंद कर दी, तो मतलब मेरे पैरों में दर्द कम हो गया, लेकिन आप शिकंजी पी ली तो फिर पैरों में खिंचाव हो गया। तो आप अब बताइए क्या करना। देखिए आप काम बहुत करती है ना, सच बताइए। नहीं काम इतना भी नहीं करती। हाँ वो ये ना, हमारी उम्र के लोग बैठ तो सकते नहीं आजकल की लड़कियों की तरह। हाँ हाँ बस वो मैं समझता हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ सच्ची बात करेंगे तो देखो ज्यादा फायदा होगा। एक तो वेस्टर्न टॉयलेट जरूरी है, और ये झाड़ू पोंछा बिल्कुल ना करें, मेहनत का काम कुछ दिन। और देखिए एक तरीका मैं बताता हूँ आपको, और अगर पूरा फायदा आप लेना है तो देखिए आप समझदार बहुत हैं, अलसी को ले लें, 300-400 ग्राम खरीद लें, हल्का सा भून का पाउडर बना लें, ठीक है। अब इस अलसी में 0.5 ग्राम गौंसिया मिलाएं, और चाहे तो इसे घी में मिला लें, देसी घी में, चाहे मलाई में मिला लें, कड़वा तो होता है आपको पता है, इसमें मिलाकर खा लें। और ये जो नमक जैतून है ये 2 गिलास पानी मिला कर ले लें, आप यकीन करें ये इस तरह से आप लेते, तरीका भी होता है किस चीज़ का लेने का, ये इतना अच्छे तरीके से आपके पेट की एसिडिटी, कब्ज़ वगैरह दूर करता है, यूरिनरी इन्फेक्शन दूर करता है, नसों को मजबूत करता है, जोड़ों की और नसों की मरम्मत करता है। देखिए याद रखें आपके कमर में नसें दबी हुई हैं, अब नसें दबी हुई हैं तो जब भी आप अपने ऊपर काम का बोझ डालेंगे या वजन उठाएंगे तो वो नसें और दब जाती हैं। फ़ायदा हुआ आपने फिर वही काम कर लिया जिसको मना किया है, तो हमारी भी परेशानी और आपकी भी परेशानी। थोड़े दिन कुछ नहीं करें, अपने लिए नहीं तो अपनी बच्चों के लिए। अगर मैं भी गलती करूंगा तो मुझे भी बार बार ये तकलीफ होती है, आप इस तरह से लेके देखें, फायदा उठाएं। विनय शर्मा है अगले कॉलर, स्वागत है आपका। डॉक्टर मुझे है और मेरे टेस्ट तरह हो चुके हैं, लेफ्ट घुटने की जो हड्डियां हैं अंदर की तरफ टच हो गई, और उसमें पहले तो पेन था, दवाई जरा ले आपसे भी मैं ऊपर में तब ली थी मेडिसन, में मुझे गोंद दिया और 5 जड़ी बूटी तो मैंने सब पीसी और उसका पाउडर मैंने 6-7 महीने खाया, तो उससे मुझे महीना तो बहुत आराम था, मुझे पेन किलर नहीं लेना पड़ा, पर धीरे धीरे मुझे 10-8 के बाद पेन किलर लेते रहना पड़ा, और जैसे जैसे गर्मी का मौसम हुआ तो मैंने मुझे छोड़नी पड़ी दवाई, क्योंकि मुझे पेशाब में थोड़ा हो गई थी। अब मुझे वही पेन चलने में, मैं थोड़ा झुक के चल, मेरी कमर में पेन आना शुरू हो, वो कमर में दर्द चलने से, ज्यादा देर खड़े होने से, रेस्ट कर ले हो जाता है। तो मैं आपसे ये सलाह कि मैं अभी डॉक्टर तो मुझे एलोपैथिक उन्होंने बोल चुके हैं कि रिप्लेसमेंट करवाओ, पर मैं इसमें वो नहीं हूँ, आप मुझे सजेस्ट करिए कि मैं आगे और क्या मेडिसिन ले सकती हूँ। ठीक है, हाँ जी। और मुझे सर एक बार उन्होंने आर केयर खींचा आपके क्लिनिक से, थोड़ा सा मेरा यूरिक एसिड ऊपर आया था, आज ही मैंने सारी जांच करवाई है तो अभी रिपोर्ट नहीं आई है, पर मेरा कंट्रोल हो गया था, 6.1 आ गया था। ठीक, अच्छा देखिए फायदा हुआ था तो फायदा होना चाहिए, हमारा अनुभव ये कहता है। और कुछ भी नहीं तो आपकी रीढ़ की हड्डी को तो फायदा होना ही चाहिए, और नुस्खा जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे लेना है आपको, और कम से कम 5 महीने लगातार लेना है। यही गौंसिया लेना है जो आपने लिया था, और ये गौंसिया कैसे लेना है, अलसी भून कर रख लें, अलसी भून कर रख लें, और ऐसा हो तकरीबन 300-500 ग्राम अलसी हल्का सा भून कर पाउडर बना कर रख लें। और गौंसिया किस तरीके से आप लेते थे नहीं पता, लेकिन
ऐसा दो चुटकी में जितना गौंसिया आए अलसी में मिला दें, और एक चम्मच शहद, घी या मलाई उसमें ऐसे मिक्स कर दें इसको, और इसको खा लें। शहद, घी या मलाई उसमें ऐसे मिक्स करके फौरन खाकर, और ये जो नमक जैतून आता है एक चुटकी लें, दो गिलास पानी मिलाएं और ये दो गिलास पानी पी लिया करें। ये बहुत तेज़ हो जाता है नुस्खा, और 5-6 महीने लें। वज़न बिल्कुल नहीं उठाना है। वेस्टर्न टॉयलेट आपके पास यकीनन होगा, मुझे उम्मीद है, नहीं है तो लगवा लें। और मेहनत और वज़न उठाने का काम बिल्कुल ना करें। कोशिश करें इस तरह से आप नुस्खा लें, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। विजय कुमार रावत हैं नेक्स्ट कॉलर, स्वागत है आपका। जी सर। सर ये मेरी मिसेज जो है आपकी बहुत बड़ी फैन है, इन्हें आपकी पूरी डायरी बनाई है। अच्छा। ये हाँ, ये सब लोगों को, दूसरे लोगों के आपके नुस्खे बताती हैं, है ना। ये कई लोगों को बता चुकी हैं आपके नुस्खे, कई लोगों को लाभ भी हुआ है आपकी दवाई से। अच्छा, इन्होंने अपनी बिटिया के लिए जो है, हमने नमक, जैतून और गोंद मोरिंगा मंगाया था। अच्छा, क्या है इसको, बाल भी झड़ते हैं, सोराइसिस और थायराइड है। तो क्या ये दोनों अपन को एक साथ देना है कि एक एक देना है? इन्होंने ये धनिया, आंवला और मेथी का पाउडर भी बनाया है। तो ये दोनों अपन एक साथ दे सकते हैं कि एक एक करके देना है, और किस विधि से देना है? ठीक है, ठीक है। मेरा, मेरी तरफ से उनको जय हिंद बोलिए, और बहुत सम्माननीय हैं ऐसे लोग जो दूसरों का भला करते हैं। और इसमें नुस्खे में आप इस तरह करें कि देखिए, गौंद मोरिंगा तो 1 ही ग्राम खाना होता है पूरे 24 घंटे में, चाहे दूध से लें, चाहे पानी के साथ लें, चाहे नारियल पानी के साथ लें। बस एक बार सुबह को ले लें, या किसी कोई भी एक टाइम तय कर लें। ये ज़रूरी नहीं है कि खाने के बाद, खाने से पहले, लेकिन अक्सर अर्ली मॉर्निंग खाना बेहतर रहता है। अब रहा थायराइड का सवाल, तो नमक जैतून आपके पास है, उसके लिए आप ये जो तीन चीज़ों का पाउडर बनाया, 300 ग्राम धनिया, 100 ग्राम मेथी का दाना और 100 ग्राम आंवला, इस पाउडर को एक चम्मच भर के सुबह खाएं। जो गोली भी खाते होंगे थायराइड की, उसके आसपास खाएं, उसके साथ खाएं, उससे पहले खाएं, उसके बाद खाएं, लेकिन खाली पेट खाएं। और एक चुटकी नमक जैतून दो गिलास पानी मिला के ये पानी पी लिया करें, और ऐसे ही आप रात को भी कर सकते हैं। और बच्ची के बाल जो है ना, उसके लिए शैम्पू छोड़ दें कुछ दिन के लिए, सादा साबुन इस्तेमाल करें। देखिए, मेरे इतने सारे बाल हैं, और बुढ़ापे में इतने बाल होते नहीं हैं, और मेरे भी गिरना शुरू हो जाते हैं, तो मैंने शैम्पू बहुत कम यूज़ किया है। 50 साल के बाद तो मैंने पहली बार यूज़ किया, जब मैं 50 साल का था, तो मैंने देखा कि मेरे बाल हैं तो बड़े घुंघराले हो गए, और ये हो गया, और बड़े फूले हुए ऐसे रेशमी से लगने लगे, लेकिन वो मेरे बिस्तर पर काफ़ी बाल मिलने लगे जब मैंने शैम्पू यूज़ किया। तो फिर मैंने शैम्पू की वो रिसर्च की, तो पता चला कि उसमें कास्टिक जो है, जो चीज़ वो कपड़े धोने के साबुन में डलती है ना, वही डालते हैं, तो बालों को तोड़ती है, हाथों तक को पर तकलीफ़ देती है वो, तो मैंने छोड़ दिया, तो मेरे बाल गिरने रुक गए। तो शैम्पू छुड़वा दीजिए, सादा साबुन यूज़ करें, या कोई बगैर कास्टिक का वो मिल जाए शैम्पू, कास्टिक सोडा नहीं होना चाहिए उसमें। तो देखिए, ये इस्तेमाल करें, आप जितना चाहे फ़ायदा उठा सकते हैं। धर्मशीला जी हैं अगली कॉलर, स्वागत है आपका। हाँ जी मैम, आपका सवाल। हम उनसे भेज अति करना, हकीम साहब से बात करना चाह रहे हैं। जी स्वागत है आपका, जय हिंद, बताइए क्या सवाल है।
35 वर्ष से डायबिटीज है, जैतून का सिरका और भी एलोपैथिक दवाई ले रहे हैं, तो क्या लिया जाए जो कि उनका डायबिटीज कंट्रोल हो, कब्जियत बराबर रहती है। ठीक है, 35 वर्ष से डायबिटीज है, जैतून का सिरका दो दो चम्मच दो बार लें, अपनी दवाएं भी लें और खाना जितना खाते हैं उससे थोड़ी खुराक कम कर दे, 1 घंटा पैदल चले और 5 बार गर्म पानी पिए, आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल होना मुमकिन है। अगर किसी को जैतून का सिरके से नज़ला खांसी होती है तो वो जैतून का सिरका न लें या कलौंजी का सिरका न लें। किसी को भी इससे अगर नज़ला खांसी होती है तो वो इसके बदले में जामुन का गोंद लें, एक चुटकी सुबह एक चुटकी शाम, खाने से पहले ले लें तो बहुत अच्छा है, इससे भी वही फायदे होना मुमकिन है।